व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन? 3, 2, 1, 0। अमान बट टाइम इज ओवर। ना। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट? नो, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा? 3, 2, 1, 0। हवा करिए। थ्री हवाना टू वन ऐसे हवाना थ्री हवाना हवाना वन ऐसे करनी है। ऐसे मैं थ्री थ्री टू पे बोला। वन ऐसे तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। थ्री टू वन ऐसे होता है आराम से। फाइन फाइन। थ्री टू वन ओके बेटा, डू काउंट लाइक थ्री टू वन नेक्स्ट टाइम। ओके फाइन। थ्री मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ गंबिया? कोलंबिया। थ्री टू बंजुल अंजुल बंजुला बंजुला। यस। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जमाकिया? इट अगेन किंगस्टोन 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 किंगस्टोन। ये तो ठीक है। वो चीज है जिस मतलब स्प्रे What is the capital city of Iraq? Iraq. 3, 2, Baghdad. 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 I just right. Okay. So this is how we are. Okay. So this is how we are winding the game, and we have finally found our winner. आपने भी पूछना था बेटा, अगर जो क्लास में ही नहीं है तो मैं उससे कैसे पूछूंगी? मैंने नहीं देखा था। एग्जैक्टली। ओके सो दिस इज हाउ वी आर वाइंडिंग द गेम। ओके एंड नाउ काइंडली वी हैव डिसाइडेड अवर विनर एंड व्हिच इज आयशा। ओके एवरीवन, सो लेट्स सी, देयर विल बी मेनी गेम्स लाइक दिस। सही है। जैसे हम लोगों को भी टॉपिक खत्म हुआ करेगा, हम लोग जो है हमेशा उसके ऊपर एक गेम कंडक्ट करा करेंगे। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके एवरीवन, and you all did a wonderful job. Yes, Shami. Teacher, मुझे आपने conduct करवाई थी tomorrow. Teacher, आप क्या पढ़ा रही हैं? तो teacher जब Miss Fiza की class Tuesday को, तो teacher उसमें क्या हुआ था? बेटा, it was basically international literacy day. ये उरुज It was basically international literacy day, और उस day के अंदर जो है वो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन डिफाइन करना था। तो मैंने दोस्त उनको जब इंट्रोडक्शन दिया था एंड देन वी कंडक्टेड अ क्विज। सही है। उसके बाद क्विज के नंबर बताने बेटा। योर क्विज इज विद योर एडमिन। सही है। जो एडमिन उनके पास चले गए और जो विनर होंगे वो लोग वहां से पूछ जाए वो डिसाइड करेंगे। सही है। क्योंकि मोर देन वन स्टूडेंट के जो है वो हाईएस्ट मार्क्स आए थे, तो प्रोबेबली दे विल नॉट डिसाइड द विनर। Okay, as this was not my competition. Okay, so now kindly take out your history copies and take out your chapter. Let me just open the picture. You should copy your book. Okay, take out both things right now. Okay, take out your chapter number 14. Atlas. No, beta, history. I'm screen sharing it right here. Just give me one more second. Okay. This is what we're studying. Okay, this is chapter number 14. The early religions, Judaism, Buddhism, and Confucianism. Okay, this is what we're studying. So kindly take out your copies. And there was one more thing. For your fall term, you will be sharing the copy of history and geography. Are we clear? ये वाला पेज मैंने पढ़ा हुआ है। ये सब ये वाला पेज आपने पढ़ा हुआ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ वाला। सही है। Exactly. मैंने इसके आगे वाला भी पेज पढ़ा हुआ है। Exactly.
क्योंकि हम इसके आगे वाला ये ना हिस्ट्री की बुक ये है ना और पूछ रही है वाली बुक है वेट लेट जस्ट सी कौन है नो ये वाली नहीं है टीचर हिस्ट्री है बेटा आपकी हिस्ट्री की दो हिस्ट्री है पढ़ लो बेटा आप लोगों की हिस्ट्री की दो बुक्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइमलाइन है सही है समीर आपकी हिस्ट्री की दो बुक्स हैं एक हिस्ट्री ऑफ सिंध है और एक टाइमलाइन है ओके सो वी आर स्टडीइंग टाइमलाइन चैप्टर नंबर 4 नो दिस इज नॉट अ बुक ये हमारी बुक नहीं है इंग्लिश की बुक है So now, I'm just sharing the pictures. सही है आप लोग जल्दी जल्दी जो है वो अपने भी pictures page जो है वो मेरे साथ देखते रहिए हम लोग जो है वो chapter start किया था the early religions. सही है We talked about the religion Judaism, we talked about the religion Buddhism, and we talked about the religion Confucianism. Okay? Then I told you a little introduction about the early religions and the early people. सही है हम लोगों ने early people के बारे में क्या पढ़ा था कि जो अर्ली पीपल्स होते हैं वो क्या थे दे वर द ग्रेटेस्ट थिंकर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सही है वो जो है वो हिस्ट्री के अंदर आज तक के जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट थिंकर्स हुआ करते थे सही है कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था कि उन लोगों के जो है वो कुछ डीपली कंसर्न्स थे कुछ चीजों के बारे में सही है व्हाट इज द वर्ड कंसर्न मींस प्रॉब्लम सही है उनके जो है वो कुछ प्रॉब्लम थी कुछ चीजों को लेते हुए सही है उनकी कितनी प्रॉब्लम थी दे हैड फोर कंसर्न सही है क्या क्या कंसर्न थी Number one was good life. Okay, whether how can they have a good life? How can they live a good life? Why? Because they didn't know any instructions. Number two was good government. Then how can they make the government good so that it can, you know, run the country in a very good way? Number three was what was true or false? Okay, third concern kya tha? Kya cheez sahi hai aur kya cheez galat hai? And number four was that they want to know that whether there was one God or मैनी गॉड उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि फादर जो है वो एक गॉड है या फिर ज्यादा गॉड है सही है दिस वाज ऑल हैपनिंग क्योंकि ये जो है वो अर्ली रिलीजन की बात है इस वक्त जो है वो इस्लाम नहीं आया था तो आफ्टर द यू नो आफ्टर इस्लाम केम लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मिल गई थी और जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो अच्छे रिलीजन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गए थे सही है तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस सही है उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था ओके उसके बाद जो है वो हम लोग हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना ओके देन वी टॉक्ड अबाउट द रिलीजन ऑफ जुडाइज्म सही है हम लोग जुडाइज्म के बारे में हमने पढ़ा था सही है और किसी को आई डोंट थिंक अब किसी को कोई इस पे प्रॉब्लम होगी यस दाना यू हैव एनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ जुडाइज्म के बारे में कोई मसला किसी को यस शामिल जुडाइज्म के बारे में कोई भी मसला सही है मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर दोबारा जुडाइज्म के ऊपर एक पूरा रीकैप किया आपको याद है सही है तो अब जो है हम जुडाइज्म से आगे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और जो हमारी अकबाली हेडिंग का सेकंड नाम है ये यस समीर ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट रेज योर हैंड यस समीर आप एक बार मुझे दोबारा समझा दें बेटा आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू टाइम्स सही है इस तरह से तो हम एक ही चैप्टर पे रह जाएंगे सर लेट जस्ट सी हम लोग ऐसा करते हैं कि शामिर और सब बच्चे थोड़े थोड़े करके मुझे पॉइंट्स बताएंगे जुडाइज्म के बारे में ताकि जब एक रिकैप हो जाए ऑलराइट ओके लेट्स स्टार्ट विद यस ओके ज़ारा ज़ारा कैन यू टेल मी टू और थ्री पॉइंट्स ऑन जुडाइज्म टीचर द The Jews were a small group and it was so simple. Exactly. What does it mean? It means that the religion of Judaism was very small. Sahi hai, the religion jo bahut zyada small tha as compared to other religions in the world. Yes, sir. Yes, Anna. Can I just share one more point? The Egyptians called them Hebrews and wanderers. Exactly.
the old people, the people of Egyptians, and everyone used to call them wanderers. ठीक है, wanderer का क्या मतलब होता है? एक ऐसी wanderers के हम meaning क्या कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो कि क्या करता है? इधर से उधर फिरता रहता है. सही है, उसकी कोई एक अपनी destination नहीं होती. सही है, that is why they were known as wanderers. Why? Because उनकी अपनी कोई एक place नहीं थी, उनकी अपनी कोई एक stake नहीं थी, कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो लोग रहना पसंद करते थे. सही है ना? Thank you so much. Okay, yes, I'm on. Can you share two points? Teacher, मुझे आप उसी अटक अटक के आ रही है. क्या अटक अटक क्या आ रहा है? आपकी voice. आपकी वॉइस मुझे अटक अटक के आ रही है. आर यू श्योर योर नेट इज वर्किंग फाइन? यस यस शामिर. यस टीचर. यस, कैन यू शेयर टू टू थ्री पॉइंट्स ऑन जेडिज्म? टीचर, यू वांट टू गो टू द in a very loud voice, please. Teacher, they want to go to the land of promise, which is near the Mediterranean Sea. Okay. Where was their final destination? Okay. मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो people of Judaism थे, वो लोग wanderers थे. सही है? उनको जो है वो different places पर travel करने का शौक था. सही ना? तो क्या कह रहे हैं, उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो क्या थी? वो लैंड ऑफ कनान थी. लैंड ऑफ कनान हम इसे कहते हैं, जो लैंड ऑफ कनान है इसको इन नाउ डेज हम लोग कहते हैं द कंट्री ऑफ इसराइल. सही है, जो इसराइल है ना हमारी कंट्री, इसको पहले हम लैंड ऑफ कनान कहा करते थे. सही है, और जो जुदिसम के लोग थे, इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी, ये लोग जो है वो लैंड ऑफ कनान में जाना चाहते थे. सही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो इनका सबसे बड़ा टेम्पल था, और वहाँ पे जो है वो सारे जितने भी यहूदी जो भी ये लोग थे, यहूदीज हो गए या जितने भी ये लोग जुदिज्म के लोग हो गए. सही है, ये लोग वहाँ पर जाके जो है वो रहना चाहते थे. सही है, थैंक यू शामिल. ओके, लेट्स गो विद वफा. यस वफा, केयर टू टेल मी वन मोर पॉइंट? हु वाज योर फर्स्ट स्पीकर? मैं द लीडर्स ऑफ जुडिसम वॉज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड द पीपल ऑफ जुडिसम कॉल्ड हिम हजरत अब्राहम अलैहिस्सलाम. उनके जो लीडर थे उनका नाम था प्रॉफिट अब्राहम अलैहिस्सलाम. सही है, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन क्योंकि जो है वो ऑब्वियसली बात है देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश. सही है, तो बोले इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोले इंग्लिश में प्रॉफिट अब्राहम अलैहिस्सलाम कहते हैं. सही है, देन वी टॉक अबाउट द गोल्डन टाइम. सही है, इनके हमने गोल्डन एरा के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर जो है वो दो प्रॉफिट थे जिन्होंने जो है वो इनको रूल करा. सही है, और वो दो प्रॉफिट कौन थे ये हमें अली अहमद बताए. जी अली अहमद. अली अहमद जल्दी से अच्छे बच्चों का नाम. क्या आप क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हम लोगों ने चाहे वो जुडिज्म की गोल्डन एरा के बारे में बात करी थी, इनके गोल्डन टाइम के बारे में, तो उसमें जब इनको दो प्रॉफिट से रूल कर रहा था, तो वो कौन कौन से थे? हजरत मूसा थे जी, और टीचर हजरत वो अब्राहम. हजरत अब्राहम अलैहिस्सलाम तो इनके लीडर थे. सही है ना, वो तो सबको पता है. आर यू श्योर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? Yes. Okay. I'm just been sharing it right now. सही है, और ये जब last time हम इसका revision कर रहे हैं, इसके बाद हम दोबारा revision नहीं करेंगे. सही है, let's see. Okay. तो इनका golden time था. इस वक्त जो है वो इनको जो है वो दो लोगों ने जो है वो rule करा था. एक कौन थे? एक थे उनकी King David. सही है, King David कौन थे? जिनको हम लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं. सही है, और एक उनके सन थे, ये लोग उनको कहते हैं किंग सुलेमान. सही है, लेकिन उनको हम कौन कहते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम. सही है, लेकिन वो लोग क्या कहते थे? वो लोग इनको डेविड और सोलोमन कहते थे. सही, ये दोनों जो है वो ब्रदर्स थे. इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लोगों को जुदिज्म के लोगों के लिए फाइट करी थी, और जितना की जो लैंड था उनको जुदिज्म का, वो सारा का सारा लैंड जो है उनको दिलवाया था, और जो है वो जुदिज्म का लैंड इनको कैपिटल सिटी बना के दिया था.
सही है। इसके अंदर जब उनको बहुत सारे टेम्पल्स बना के दिए थे और ये लोग जो है वो आराम से जो है वो अपनी वहाँ पे वर्शिप करके रह सकते हैं, सही है। लेकिन हुआ क्या कि जो जूस थे इनकी आपस में ही क्या होना स्टार्ट हो गई, क्वारलिंग होना स्टार्ट हो गई। क्वारलिंग मतलब इनकी आपस में फाइट्स होना स्टार्ट हो गई, सही है। फाइट्स की वजह से क्या हुआ था कि टू किंगडम्स के अंदर खुद ही डिवाइड हो गए थे जुडिज्म के, सही है। इन्होंने एक किंगडम का नाम क्या दे दिया था, इसराइल दे दिया था, और दूसरे को उन्होंने क्या नाम दिया था, जुदा का नाम दिया था, सही है। इसकी वजह से क्या हुआ था कि इनका जो है वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, क्यों, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली बात है ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे। तो एक दो रूलर्स थे, एक जो है वो सरगोन थे, सरगोन किसके रूलर थे, इसराइल के, सही है। और एक नैप्यूजन डेजर्ट था, वो किसका रूलर था, वो उसके थे, जुदा के थे, सही है। तो इन लोग के आपस में फाइट होना शुरू हो गए। नैप्यूजन डेजर्ट ने क्या करा, वो जब इसराइल के अंदर गया और उसे वहां पर जाके क्या करा, उनके जितनी भी टेम्पल्स थे वो सब के सब जो है वो तोड़ के थे और सारे लोगों को क्या कर दिया था, कैप्टिव बना के ले आया था अपने पास, सही है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी आपस में इतनी ज्यादा जो है लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी कि बाद में लोगों ने दोनों चूज ने आपस में क्या डिसाइड कर लिया था, इन लोगों ने जो है वो ये डिसाइड करा था कि अब जो है वो हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये बात डिसाइड करी थी कि जो जुडिज्म के लोग है ना वो लोग किस तरह के होते हैं, ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं, इनको बहुत ज्यादा लड़ने का शौक होता है, ये लोग कभी भी किसी के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते। तो रोमन से क्या डिसाइड कर लिया था, रोमन से डिसाइड करा था कि अब जो है वो हम लोग इनको साथ ही रहेंगे। उन्होंने क्या करा था कि जुडिज्म के लोगों को इसराइल से क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, जेरूसलम से बेसिकली बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कोई मसला, ये हम पढ़ चुके थे, सही है। अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, अब की मूवमेंट बिटवीन 2000 एंड 1000 बीसी इन रिलीजन वन गॉड रिप्लेसेस मेनी गॉड्स, सही है। दिस इज द हेडिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ये सेलियन टीचर्स ये पेज नंबर कौन सा है, इट इज रिटन 74 73 ओके, इट इज पेज नंबर 73 और 74, जस्ट काइंडली चेक ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन, दिस इट इज 74 ओके। नाउ व्हाई डू वी नीड टू बॉदर व्हाट इज अ स्मॉल ग्रुप फ्रीक्वेंटली डिफीटेड पीपल ऑफ सो लॉन्ग अगो, सी आप क्या कह रहे हैं, ये लोग ही कह रहे हैं कि हम लोग जुडिज्म पे एक इतना छोटा सा ग्रुप था रिलीजन का, सही है ना। कोई इतने बड़े रिलीजन्स में वर्ल्ड के जो बड़े बिगेस्ट रिलीजन है उसमें कौन कौन से, उसमें क्रिश्चियनिटी है, उसमें इस्लाम है, उसमें बुद्धिज्म है, सही है। तो कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा इतना डिफीटेड सा ग्रुप है रिलीजन का, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सही ना, इसको इतनी इम्पोर्टेंस। ये वाला द डिस्कशन विद बदील विन मेरी क्लास हो रही है इनको यहाँ से, ये 74 है, इट इज पेज नंबर 74 सही है। एंड आई एम सॉरी मेरी जब बीच में से लाइट चली गई थी इसकी वजह से जब थोड़े से इशू आ गए, सही है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर, सही है। ठीक है, मैंने में जो कुछ और अली आपका मेरे को अलग नहीं लग रही आपको, दिखाइए अली अपनी बुक, टीचर मेरा तो इस्लामियत की है, यहाँ से 72 से डिस्कशन विद बादिल बिन वर्का है, तो फिर वही चैप्टर चल रहा है मेरे, टीचर ये इस्लामियत की है, अली ये इस्लामियत की बुक है, अली तुम्हारी मार लगेगी, और मैंने हिंदी वाले को पकड़ा तो ये जल्दी से अपनी हिस्ट्री की बुक ले के आओ, 3 लाख ओके। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग जो है वो अभी पढ़ रहे हैं कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट जुडिज्म, सही है। हम लोग जुडिज्म के लोगों के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, सही है। ये जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के कोई बिगेस्ट रिलीजन हो, सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही। कह रहे कि एक जो डिफीटेड लोग का रिलीजन है, छोटा सा रिलीजन बनाया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सही है। तो इसके रीजन क्या है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसका रीजन क्यों है और जुडिज्म के लोगों को जो है वो इस रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, सही है। ये सर अहमद मिल गए आपको अपनी हिस्ट्री की बुक, यस
Yes, please. Now, kindly take out your page number 74. See it? Okay. I don't know मुझे किसके पीछे से आवाज आ रही है, but मुझे किसी ना किसी के पीछे से आवाज आ रही है. Okay, now, see, अब आप लोग हम लोग आगे के पढ़ने जाने वाले हैं, लेकिन पढ़ने जाने वाले हैं कि why are we giving this religion so much importance? सही है? So kindly just please stay with me. Now, okay, why are we bothering about this small religion? Okay, now, it is because of their religion which is known as Judaism. They were the first to believe in one God rather than many. सही है? अब हम लोगों ने जो इनको इतनी importance दी है ना, तो हम लोग इनको इतनी importance क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये वाहिद जुदिज्म का एक ऐसा religion था जिसमें लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक God के ऊपर believe करते थे rather than many. सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग आगे रिलीजन पढ़ेंगे ना, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो बुद्धिज्म के लोग जो है वो एक गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते. सही है? उनका क्या मानना है, उनके बहुत सारे डिफरेंट गॉड्स हैं, आई थिंक मोर देन 1000 गॉड्स हैं या मोर देन 100 गॉड्स हैं जिसके ऊपर वो लोग बिलीव करते हैं. सही है? इसी तरह जो कन्फ्यूजन जो रिलीजन है उसके भी जो है वो लोग डिफरेंट गॉड्स हैं और वो लोग जो है वो डिफरेंट गॉड्स के ऊपर बिलीव करते हैं. सही है? बट जो जुडिज्म के लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक गॉड के ऊपर बिलीव करते थे. सही है? दैट इज वाई इस रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई है. क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर भी हम लोग कितने गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, एंड दैट इज अवर अल्लाह द अलमाइटी. सही है? दैट इज वाई जो है वो इस रिलीजन को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी. सही है ना? द टू ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इस्लाम एंड क्रिस्टैनिटी, कैन बी ट्रेस बैक टू द प्रॉफिट अब्राहम अलैहिस्सलाम. सही है? आपके कहने के हम लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि जो दो आज तक के वर्ल्ड के सबसे बड़े रिलीजन रह चुके हैं ना, जो कि इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी, नंबर वन पे जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिलीजन है ना पूरी दुनिया के अंदर, वो कौन सा है? वो क्रिश्चियनिटी है. सही है? और जो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो कौन सा है? वो इस्लाम है. सही है? तो कह रहे कि ये दोनों रिलीजन जो है ना, ये कब से चल रहे हैं? जब जो है प्रॉफिट अब्राहम अलैहिस्सलाम आ गए थे, जब से जो है इनको ट्रेस बैक कर सकते हैं. ट्रेस का क्या मतलब होता है? ट्रेस का मतलब होता है कि जब से हम इसकी निशानियां जो है वो फाउंड कर सकते हैं. सही है ना? Early religion like those of the Egyptians and the Greeks had many gods to worship. The first human believed that God lives in natural things like the sun, moon, mountains or rivers. सही है? कह रही जो हमारे early religion के लोग थे ना, जो हमारे early thinking peoples थे, सही है? वो लोग क्या believe करते थे? वो लोग different gods के पर believe करते थे. सही है? अब वो इतने सारे different gods पे कैसे believe कर सकते थे? क्योंकि वो लोग क्या मानते थे? वो लोग ये मानते थे कि जितनी भी natural things है, जितनी भी नेचुरल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल सन हो गए, हमारे मून हो गए, हमारे स्टार्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लैनेट्स हो गए, कोई भी लिविंग थिंग, वाटर हो गए, ट्रीज हो गए, कुछ भी हो गए ना, कुछ भी, एनी थिंग एक्स वाई जेड, उसको जो है वो लोग गॉड बिलीव करते थे. ठीक है? तो इस वजह से जाहिर सी बात है, अब जब आप हर नेचुरल थिंग को हम लोग गॉड मानेंगे तो हमारे गॉड कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे ना. तो दैट इज वाई क्या होता है कि जो अर्ली लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो जितनी भी लिविंग थिंग्स थे उन सबको गॉड मानते थे और क्या करते थे, उन सब की जो वो वर्शिप करते थे और उन सब के लिए सेक्रीफाइसेस करते थे. सेक्रीफाइसेस से क्या मुराद है? आप लोगों ने देखा हमेशा हम लोग कोई भी पुरानी मूवीज देखते हैं, उसके अंदर दिखाते हैं कि लोग जो है वो उसके लिए कोई गोट वगैरह ज़िबा करते थे, या आई डोंट नो, वो लोग उसके लिए जो है फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ें दिया करते थे, कोई अपना वीट दिया करते थे, कोई लोग जो है मिल्क दिया करते थे. सही? तो बेसिकली वो लोग जो है वो इन्हीं जो नेचुरल थिंग्स है इनको बिलीव करते थे, इनकी वर्शिप करते थे और इन्हीं को क्या करते थे? मानते थे. सही है? इट वॉज ड्यूरिंग द सेकंड मिलेनियम दैट द लीडर्स अब्राहम एंड मोसेस थॉट देयर पीपल टू बिलीव इन जस्ट वन गॉड. सही है? कह रहे कि इसके बाद क्या हुआ था कि जब हमारे प्रॉफिट्स आ गए थे, तो प्रॉफिट्स के बाद कौन कौन से आए थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. सही है? जब ये दोनों आ गए थे, सही है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लोगों को क्या बताना शुरू करा था कि हमारे सिर्फ और सिर्फ कितने गॉड है? सिर्फ और सिर्फ एक गॉड है. सही है? और उन्होंने क्या कहा था कि हमें कितने गॉड्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ वन गॉड के ऊपर बिलीव करना चाहिए. ही सैड ही दे सैड वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल थिंग्स इन इट, ही वाज अ ग्रेट एंड द होली, एंड इट वाज अ सिन टू मेक अ स्टैचू और अ पिक्चर ऑफ हिम. सही है? इन लोगों ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो है वो जो एक गॉड है जिन पर हमें बिलीव करना चाहिए, वो क्या है? वो क्रिएटर है, उन्होंने पूरी की पूरी यूनिवर्स बनाई है. सही है? और क्या कहा था कि ये जो है वो इन्होंने यूनिवर्स बनाई और जितनी चीजें हैं ना हमारी दुनिया के अंदर, वो सब चीजें भी हमारे गॉड ने बनाई है. सही है? इन्होंने क्या कहा था कि जो अल्लाह ताला है वो इतने ज्यादा माइटी है कि इनकी आज तक जो है वो कोई भी पिक्चर या किसी भी किस्म की कोई भी पोर्ट्रेट हो गई,
कोई भी पिक्चर हो गई, ये सब चीजें जो बनाना अलाउ नहीं है. सही, तो आज तक आप लोग कभी भी अल्लाह ताला का मतलब उनके चेहरे पे इतना ज्यादा नूर है कि यू नो देयर वाज एक एक दफा का एक वाक्य है कि जो सही है, एक दफा क्या होता है कि हमारे एक प्रॉफिट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह ताला से मिलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ. सही है, तो जब वो अल्लाह ताला को देखने लगे तो अल्लाह ताला से इतने दूर थे वो, सेवन स्काई से ज्यादा दूर थे, लेकिन क्या हुआ था कि अल्लाह ताला की फेस पर ज्यादा लाइट निकल रही थी, क्या हुआ था कि उसी टाइम क्या हो गए थे मतलब बेहोश होकर गिर गए थे और उनको देख ही नहीं पाए थे. सही है, वाय बिकॉज नो नो सिंगल आईज कोई भी दुनिया की इस तरह के आगे नहीं है जो कि अल्लाह ताला को देख सके. सही है, तो क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि ये किससे पता चलना शुरू होता है लोगों को अल्लाह ताला के बारे में, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम दोनों आए थे, इन्होंने लोगों को जो है अल्लाह ताला की इंपॉर्टेंस बताना स्टार्ट करी थी और लोगों को इस्लाम के बारे में क्या करना शुरू करा था, अवेयरनेस देना शुरू करी थी. सही है, मूविंग ऑन. सही है, मैं आप लोगों को एंड में जो है टाइम दे दूंगी क्वेश्चन करने के लिए. सही है, थोड़ा सा रह के पहले पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं. ओके, they also thought that the Jews had a had a convenient or accepted agreement with the God. He could give them the land of Canaan as their homeland and protect them. सही है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो है वो Jews से ये कहा था कि अल्लाह ताला से उनकी जो है वो कमिटमेंट हुई है. तो ये क्या कमिटमेंट हुई है कि अल्लाह ताला जो है उनको लैंड ऑफ द कनान देंगे एज देयर होम लैंड और क्या करेंगे उनको पूरे वक्त प्रोटेक्ट करेंगे. सही है, लेकिन उनको रिटर्न में अल्लाह ताला ने क्या मांगा है उनसे, अल्लाह ताला ने उनसे रिटर्न में क्या मांगा है कि उनकी जितने भी लॉज हैं और दुनिया के जितने भी मतलब अल्लाह ताला के जितने भी लॉज हैं, अल्लाह ताला का जो रिलीजन है, जो हमारा इस्लाम है, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको उसको जो है वो बिलीव करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है वो वैसे ही एक्ट अकॉर्डिंगली बिल्कुल उनके एक्ट करना पड़ेगा. एट सम टाइम इन द फ्यूचर गॉड वुड सेंड देम अ मेसिया टू एंड द इविल इन द वर्ल्ड. सही है, अल्लाह ताला ने उनसे क्या प्रॉमिस किया था, इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अल्लाह ताला जो है वो एक वक्त इस तरह से आएगा दुनिया का जिसके अल्लाह ताला क्या करेंगे एक मेसिया जो है वो इनके पर भेजेंगे और जो कि क्या करेगा कि दुनिया में से सारी बुराइयां क्या कर देगा, खत्म कर देगा. सही है, अब आप लोगों ने सुना कभी इसके बारे में कि हमने कहा था कि गॉड जो है वो एक पैगंबर हमारे लिए भेजेंगे, तो वो पैगंबर कौन थे, पैगंबर कौन थे हमारे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सही है, सबको पता है ना ये बात, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि मैं आप लोगों के आने वाले वक्त के अंदर एक मेसिया एक जो है एक अपना पैगंबर भेजूंगा जो कि क्या करेगा कि दुनिया में से सारे ईविल को खत्म कर देगा, एंड दैट वाज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सही है, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जब लोगों को जो है वो जूस लोगों को अवेयरनेस हुई थी. सही है, ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ था कि जो इनके रिलीजियस लीडर्स थे. सही है, जो कि और हमारे जो लीडर्स आना स्टार्ट हो गए थे, हमारे और प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गए थे, कौन कौन से थे, इसके अंदर हमारे हजरत इसिया और हजरत इर्जा वाले सलाम थे. सही है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लोगों को जो है वो बताना शुरू करा था कि गॉड्स के जो है वो क्या लॉज है, अल्लाह ताला की कौन कौन सी बुक्स है और क्या करना चाहिए हमें, किस किस तरह से जो है वो इस्लाम को फॉलो करना चाहिए. सही है, इन्होंने ये बताया था कि एक जो मेसिया आएगा यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो क्या क्या करेंगे, पूरे दुनिया के अंदर पीस ले आएंगे और इन सबको क्या करेंगे, इन लोगों का लैंड वापस दिलवाएंगे. सही है, अब जहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है जुडिज्म के बारे में. सही है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज जो हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे वरना. सही है, अगर आपको आप लोगों से कभी भी पूछे कि जुडिज्म के लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई थी, तो आप लोग मुझे क्या बताएं. यस मैम, आपसे पूछना था कि आपने बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियनिज्म के बारे में बता दिया इधर. वो बेटा हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किया. छोटा सा डिफीटेड सा ग्रुप है तो हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या खास बात थी इस रिलीजन के अंदर जो कि बुद्धिज्म और कॉन्फ्यूशनिज्म के अंदर नहीं. और यही से क्या हुआ था कि आगे लोगों को पता चलना शुरू हुआ था कि इस्लाम के अंदर भी लोगों को कितने गॉड पर बिलीव करना है, वन गॉड के ऊपर. सही है, इस्लाम फैल रहा है जल्दी जल्दी. एग्जैक्टली, और इस्लाम आप लोगों को पता है आज तक वर्ल्ड के अंदर इस्लाम ऐसा रिलीजन है जो कि इतनी तेजी से फैला था कि लोगों को समझ में भी नहीं आया था. अभी लोगों को पता चला था कि कोई नया रिलीजन आया है और वो इतनी तेजी से फैल गया था और सारे लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.
एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने इसको रोकने की भी कोशिश करी थी बट ऑब्वियसली बात है क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो होगा तो क्या हुआ था कि इस्लाम बहुत तेजी से स्प्रेड हो गया था. सही है, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. हम लोग 5 मिनट है वो एक गैप लेंगे और 5 मिनट से मैडम आगे से कंटिन्यू करेंगे. कोई मसला तो कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकता है. सही है, आज की क्लास के बाद कोई दोबारा से किसी ने मुझे कहा ना कि बस बीच से एक और रीकैप चाहिए तो फिर मैं उसको सही से रीकैप दिलवाऊंगी. मैं बता रही हूँ. सही है, आप लोग के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो इंशाल्लाह से जब पढ़ेंगे एग्जैक्टली जब आप लोग के स्कूल खुल जाएंगे स्कूल 30 सितंबर से खुल रहे हैं. एग्जैक्टली 30 सितंबर से आप लोग के स्कूल खुल रहे हैं. जब आप लोग स्कूल स्कूल जाएंगे तो आप लोगों को और भी बहुत सारा मजा आएगा और वहां पे आपको पढ़ने में और भी चीज समझ में आएंगे ज्यादा. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिलीव कर लें कि स्कूल खुल रहा है 30 सितंबर से तो आप में से कौन से कितने बच्चे जो कि पैसे आएंगे स्कूल. रेज योर हैंड्स. मैं हम लोग ज्यादातर लोग तो आएंगे फिर एक हफ्ते की छुट्टियां फिर एक हफ्ते आएंगे. हम लोग आएंगे पूरे मगर पूरी सिक्योरिटी के साथ. हम लोग पूरा ग्लव पहन के आएंगे. मिस जैसी